साला छोटी गंगा बोल के नाले ना कुदा दे। अबे कहाँ गया बे? हेलो फ्रेंड्स, नदी, नदी से जो है जीवन की उत्पत्ति हुई है, या कहें समाज की जो स्थापना हुई है वो नदियों से हुई है। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा कि नदी से ही जो है सभ्यता की उत्पत्ति हुई। नदी के किनारे जो है हर बड़ा शहर, हर बड़ा से बड़ा शहर जो है आपको नदी के किनारे ही जो है मिलेगा। तो क्यों है ऐसा, तो इन सब चीज़ों पर जो है चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, नदियों को तो हमने सुखा डाला है, लेकिन हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में एक अलग ही टाइप की नाला बन रहा है, गंदा नाला जो है, ये पहले से भी है और अब जो है हर छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में जो है ये बनता ही जा रहा है। तो नदियों को हम सुखा रहे हैं और जो है वो गंदा नाला, उसमें वर्ष भर जो है जल प्रवाहित हो रही है। तो शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले जो सभ्यता, समाज की जो स्थापना हुई है वो नदियों के किनारे हुई है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा भारत की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ये एक बात हो गई। और एक चीज जो है सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, आप इस चीज को जो है अपने आसपास भी ये कर सकते हैं कि जितनी भी नदियां जो है, सॉरी जितना भी जो शहर है, बड़ा बड़ा शहर जो है, ये नदियों के किनारे ही मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि नदी में जो है जल है, और जल है तो कल है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो लोग इस चीज को समझते थे और नदी के किनारे ही उनको जो है पीने के लिए जल की व्यवस्था हो पाती थी। तो हर बड़ा शहर जो है आपको नदी के किनारे मिलेगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ये एक रोचक बात ये है कि जो शहर है वो आपको हमेशा ऊंचाई में मिलेगा। ऐसा कोई शहर नहीं होगा जो नदी के निचले तल की ओर होगा। हर बड़े शहर के किनारे में नदी है और उस नदी का पानी जो है शहर में नहीं आ पाता है। आता है तो वो अभी जो नदी के किनारे निचले स्तरों पर जो है बसे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि वो जो है नदी के हमेशा ऊंचे स्तर पर, जो ऊंचा वाला स्तर है वहां पर जो है वो निवास करते थे वहां पर। इसी कारण जो है हर बड़ा शहर जो है नदी के किनारे है और उचले स्तर पर है। ये हो गया। तो नदी से जो है जीवन की उत्पत्ति हुई है और नदी जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहीं से जो है समाज और सभ्यता का विकास हुआ है। हर बड़ा शहर नदी के किनारे मिलेगा आपको। अब आगे आते हैं। हमने जो है नदियों को तो सुखा डाला है, लेकिन एक दूसरी तरह की हमने नदी जो है, नदी कहें या नाला कहें, उसको डेवलप किए हैं, गंदा नाला। ये हर शहर में है, हर कस्बा में है और अब धीरे धीरे जो है गांव की ओर जो है ये रुक कर रहा है। गांव में पहले ये गंदा नाला जो है नहीं के समान था, लेकिन अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो है योजनाएं ला रही है, उसी हिसाब से जो है धीरे धीरे गांव में जो है गंदा नाला जो है वो, या नाली के रूप में जो है वो बनते जा रहा है। आने वाले भविष्य में क्या होगा, जो हम शहर में देखते हैं एक गंदा नाला होता है, उसमें वर्ष भर, चाहे वो गर्मी का दिन हो, ठंडी का दिन हो, बरसात का दिन हो, वर्ष भर उसमें जल प्रवाहित होते रहती है। वो जो है शहर में जो है वो धीरे धीरे जो है कस्बों में आ गया, फिर जो है गांव की ओर जो है वो आ रहा है। तो हम जो है नदी को तो सुखा रहे हैं, लेकिन अपने आसपास जो है एक दूसरी टाइप की नदी बना रहे हैं, गंदा नाला, जिसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होती है। तो ये सब विचार करने का विषय है, क्योंकि जल है तो कल है और जल को जो है हम कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको इसका उपयोग नहीं करना है, लेकिन उपयोग करिए, व्यवस्थित ढंग से करिए, ताकि भविष्य में जो है कोई समस्या ना हो। हर छोटे गांव में, कस्बों में, शहरों में तो बहुत पहले से है, लेकिन गांव में जो है ये धीरे धीरे जो है ये डेवलप कर रहे हो। आने वाले भविष्य में क्या होगा, नदियां तो अभी से ही सूख चुकी हैं, बरसात में जो है उसमें जल रहता है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि हर गांव से, शहरों से तो निकल रहा है गंदा नाला, लेकिन हर गांव से, हर कस्बों से जो है एक गंदा नाला जो है वो प्रवाहित होगा और ये वर्ष भर प्रवाहित होगा। तो इन चीजों पर जो है विचार करने की आवश्यकता है, ताकि जो है भविष्य के लिए हम जल को सुरक्षित कर पाएं। थैंक यू।